हमारे यूपीरस चैनल में स्वागत है और मैं चाहूँगा कि जो इस घोड़े के मालिक हैं अपना एक परिचय हमारे दर्शक को बताइए। जी सर, अपना नाम बताइए। हमारा नाम है मुन्नू बाबा सकरा जी, सकरा यूसुफपुर जी, और जिला अम्बेडकर नगर जी का हूँ। और ये घोड़ा मैं राजस्थान से लाया हूँ। अभी ये जो है घोड़ा 4.5 साल का है जी, और यहाँ हथिना में सेमीफाइनल में फर्स्ट आया है जी, और फाइनल में तीसरे पर आया है जी। आपको क्या लगता था जब आपका घोड़ा टर्निंग पॉइंट से छूटा है तो हम देखें तो बहुत आगे चल रहा है जी जी जी, फिर आपके मन में कैसा या उत्पत्ति हो रहा था कि मेरा घोड़ा फर्स्ट मारेगा या सेकंड मारेगा या लाइन पे मतलब फर्स्ट फाइनल में कुछ आएगा कि नहीं, क्या आपके दिल में उत्साह हो रहा था? बताएं हम आपको। देखिए वहाँ राजस्थान में क्या होता है जी कि वहाँ का रेस जो होता है वो चीरा होता है जी, और यहाँ हमारे यहाँ यूपी में जी और बिहार में जी गोल चक्कर का रेस होता है जी, तो अभी ये चीरा रेस में लड़ा है ये जी, और गोल चक्कर में फर्स्ट चांस यहाँ जो है अभी आने के समझिए 1 हफ्ता 10 दिन के बाद में यहाँ लड़ा जी जी, और जो तीसरे पर आया है जी। आपका घोड़ा तीसरा पर आया है, आपको इच्छा अनुसार सही है कि या गलत है? जी सही है, हाँ हाँ सही है, सही है। आपको संतुष्टि है ना आपके घोड़े से तैयारी को देखते हुए? हाँ हाँ, हमें आपके ये घर के हैं? हमारा लड़का है जी। आप घोड़े के बहुत चहेते लगते हैं और बहुत आपके चेहरे से मुस्कुराहट भी अच्छा लगता है। हमारे आप मित्र हैं और अपना परिचय हमारे दर्शक को बताइए। भाई हमारा नाम मोहम्मद शाहिद है जी, और जो कि पिता का नाम मुन्नू बाबा सकरा यूसुफपुर जी, और घोड़ा हमारा ही है जी, और इस घोड़े से हमें बहुत उम्मीद है जी, इससे आगे चल के बहुत अच्छा काम करेगा, और इसमें तीसरा स्थान लिया है फाइनल में जी, हमको बहुत अच्छा लगा जी। इस वक्त आप अपने हाथ में यह ट्रॉफी और यह इनाम का पुरस्कार जो देख रहे हैं पंखा मिला हुआ जी जी, आपके हाथ में, आप अपने हाथ में लिए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी, और ऐसे ही हमारा घोड़ा अगर काम करता रहा और चलता रहा तो हर जगह जाएगा, लड़ेगा और फाइनल जीतने की पूरी कोशिश रहेगी कि फर्स्ट आए जी। चलिए हम इस घोड़े के राइडर से मिलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत दिनों के बाद भेंट हो रही है और बहुत दिनों के बाद रेस में देख रहे हैं। क्या हुआ आपको, यहाँ कैसा लगा रेस में? ठीक लगा, नीड़े आपको अच्छा लगा, और आप अपने घोड़े से सेटिंग भी कर रहे थे, बहुत अच्छा भी आगे चले, कैसे फिर धीरे धीरे पीछे हो गए? कैसे धीरे धीरे पीछे हो गया था? धीरे धीरे अभी घोड़ा दबकता है जी जी, अधरता है, दबकता है जी। आप सेट कर रहे हैं, सेट कर लेंगे कि क्या आगे अनुभव हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए उम्मीद है भगवान से कि और आगे आप बढ़े और सेटिंग करें और मालिक का नाम रोशन करें। और ऊपर आप देख रहे हैं घोड़े के ऊपर, बहुत ही इस घोड़े के समझिए कि पोता है, बहुत ही पोता है, आपके पोते हैं जी। चलिए आपका पूरा परिवार खुश रहे इस घोड़े से और आगे भगवान आपको कामयाबी दें। बहुत बहुत धन्यवाद।